आज हम नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आलू प्याज का ये बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी बन जाता है और सभी के घर में बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और एक कद्दूकस लिया है। अब हम प्याज को इसमें स्लाइस कट कर लेंगे इस तरीके से कद्दूकस से। तो देखिए इस तरीके से हमने प्याज की अच्छे से स्लाइसेस कट कर लिए हैं। और अब हम आलू लेंगे। आलू को भी हमने पहले से ही वॉश करके रख लिया था और छील के भी रख लिया है। तो देखिए इसको हमने पानी में डाल के रखा था क्योंकि ये काला ना पड़ जाए। तो देखिए अब इसको हमने दो पीसेस में कट कर लिया है और अब हम इसको भी स्लाइस कट कर लेंगे इसी तरीके से। आज हम बिना चाकू की हेल्प के ही नाश्ता तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको स्लाइस में कट कर लिया है। तो दोनों चीज़ों की स्लाइसेस बहुत अच्छे से कट हो चुकी हैं और अगर आप चाहो तो इसे चाकू की हेल्प से भी इतना बारीक चॉप कर सकते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 4 से 5 और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ और इन सबको एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम साइड कर देंगे और अब हम चटनी तैयार करेंगे। नाश्ता बन रहा है तो नाश्ते के संग चटनी तो चाहिए ही, तो अब हम हरी चटनी तैयार करेंगे। तो हरी चटनी बनाने के लिए हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, लहसुन लिया है और 1-2 टमाटर और धनिया, इन सबको हमने पहले से ही साफ करके रख लिया है और सबको हम डाल देंगे इसके अंदर जार के अंदर। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और हम साथ में इसमें अदरक भी ग्रेट कर देंगे। अदरक को हमेशा ग्रेट करके ही डालिए क्योंकि मिक्सी के जार में अधिकतर क्या अदरक साबुत रह जाता पीसते समय, तो उसे ग्रेट करके डालेंगे तो बिल्कुल फाइन पीस जाएगा। तो चटनी का स्वाद और टेस्ट बढ़ाने के लिए अब हम इसके अंदर नींबू भी ऐड कर देंगे। पूरा 1 नींबू ऐड करेंगे जिससे क्या चटनी बहुत ही खट्टी और टेस्टी बनेगी। तो देखिए हमने इसमें नींबू को अच्छे से निचोड़ दिया है और अब हम इसके अंदर जीरा और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा और 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग हम जीरा ऐड कर देंगे। और अपन इसमें दही भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। इससे क्या है चटनी का टेस्ट भी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको हमने बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। देखिए चटनी बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसको साइड कर देंगे। और अब देखेंगे देखिए आलू प्याज किस तरीके से इसका पानी अच्छे से इसमें से रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर आप देखिए पानी कितने अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो इससे क्या है कि प्याज और आलू भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा, तो इससे क्या है नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। देखिए हमने 2 छोटी कटोरी हमने बेसन ऐड कर दिया इसके अंदर और अब हम इसके अंदर इस मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ में ही हमने नमक भी ऐड कर दिया है इसमें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड कीजिएगा और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बैटर को बिल्कुल थिक नहीं बनाना, मतलब मीडियम बनाना, जैसे अपन पकौड़े बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है और अभी हमने इसमें अजवाइन ऐड नहीं किया था, तो अब हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ में डाल के इसको क्रश कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में अब हम इसके अंदर हींग भी ऐड करेंगे। हींग से नाश्ता का स्वाद बहुत ही अच्छा बनेगा। नाश्ता बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा इस तरीके से। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और हम फटाफट से अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए तो हमने ऑयल कढ़ाई में ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और हम इसमें छोटे छोटे पीसेस में पकौड़े डालते जाएंगे और वो फ्राई होते जाएंगे। तो देखिए कढ़ाई में ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें छोटे छोटे पीसेस में इसमें नाश्ते को डालते जाएंगे जिससे कि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए इस तरीके से ये अच्छे से हल्का सा सिक चुका है। अब इसको अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए नाश्ता बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। निकालते समय हमें हमेशा गैस की फ्लेम को हाई कर देना चाहिए जिससे कि इसका ऑयल सारा रिलीज हो जाए। तो देखिए नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे चटनी है जो अभी हमने बनाई थी उसके साथ और टोमेटो सॉस के साथ। और अब गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें हम दही के साथ सर्व करेंगे। दही के साथ किसी भी नाश्ते को आप लीजिए, नाश्ते में दही बहुत ही हेल्दी रहता है, इसलिए नाश्ते के साथ दही ज़रूर लीजिएगा।
दही में हमने थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची, चाट मसाला और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और इसके साथ नाश्ते को सर्व करेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार आप मेरे तरीके से नाश्ता बना के देखिए, ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। देखिए आलू प्याज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और सभी के घर में बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो एक बार आप इस तरीके से बनाइए, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। ओके, बाय, थैंक यू।